फर्स्ट बार जा रहा हूँ उस गुफा के अंदर। हमने हमारी जो गाड़ी है वो पार्किंग में लगा दी है, तो यहाँ पे पूरा पहाड़ है और चट्टान चट्टान है, इन्हीं के पीछे गुफा बनी हुई है। फिलहाल अंदर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जो रास्ता है वो बंद है। ओ भाई सामने देखो यार। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल PRP राइडर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग भी अच्छे हैं। आज जा रहे हैं राजस्थान के सानन धाम, जहाँ पे माँ कालका का बहुत ही फेमस मंदिर बना हुआ है। जो मेरे सब्सक्राइबर है उसने बताया कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, सानन कालका माता का मंदिर है, तो वहीं पे जा रहे हैं। वो सामने आप देख रहे हो, पता नहीं GoPro के अंदर आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। यहाँ से जाएंगे फिर सालासर, और सालासर से वापस रिटर्न घर जाएंगे। काफ़ी अच्छी लोकेशन है गाइज, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सालासर धाम जाने के लिए, तो यहाँ पे खूड़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये माता जी का मंदिर बना हुआ है। बहुत ही शानदार मंदिर है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और अभी हमने हमारा जो फ्यूल है वो पूरा डलवा लिया है, उसके बाद में अभी लगभग टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। बताया जाता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो मंदिर बना हुआ है ये प्राचीन पांडवों के टाइम से बना हुआ है, जहाँ पे बोलते हैं कि ये भीम के गट्टे हैं और भीम से खेला करता था। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, तो चलिए आपको इसका व्यू भी दिखा देते हैं। और आज का जो हमारा लगभग डिस्टेंस होगा वो 350 के समथिंग होगा। भाई व्यू देखना है तो आपको इस मंदिर का जो बाहर का व्यू है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और यहाँ से जाने के बाद में आपको मैं एक रहस्यमय जगह और दिखाने वाला हूँ, वो मेरे अगले व्लॉग में आने वाला है। कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, आज हम उसको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बताते हैं यहाँ पे कोई जाता नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे एंगल आएगा, और डर भी बहुत लग रहा है भाई, पूरा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ उस गुफा के अंदर, तो आपको भी बता रहा है। वो देखो भाई सामने आपको देख रहा, वो व्यू देखो यार, कितना अल्टीमेट व्यू है, कितना शानदार व्यू है। और ये मंदिर है, पूरा का पूरा मंदिर है। और यहाँ से बात करते हैं तो यार काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बाहर का नज़ारा तो अल्टीमेट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भाई यार भीड़ बहुत लगी हुई है, ये मंदिर है, और यहाँ से साइड में डाल लेते हैं, ये मुख्य दरवाज़ा है मंदिर का, और यहाँ से लेते हैं साइड में। ओ भाई भाई भाई, और ये है व्यू भाई, और इसके पीछे का जो व्यू है वो अंदर यहाँ पे गुफा है वो, उसका भी मैं व्यू दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी को ये जगह पसंद आए। तो यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं साइड में, और यहाँ पे रोक लेते हैं इस गाड़ी को। तो ये है वो मंदिर, और हमने हमारी जो गाड़ी है वो पार्किंग में लगा दी है, और यहाँ का जो व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब कितना ऊंचा यार, पता नहीं GoPro के अंदर व्यू कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, और जो मेरी ऑडियो क्वालिटी है, मेरी जो वॉइस है वो कैसी आ रही है मेरे को पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल समीप के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा पहाड़ है और चट्टान चट्टान है, और ऊपर माता रानी का मंदिर बना हुआ है, और ये पार्किंग स्थल है यहाँ का। तो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, और हमें जाना है इसके पिछली साइड में जाना है, जहाँ पर गुफा बनी हुई है, तो चलिए एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो ये आ चुका है, यहाँ से हम ऊपर चढ़ने वाले हैं, काफ़ी होगा ये लंबा, तो चलिए चलते हैं भाई। ओ भाई फिसलन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से हम जा रहे हैं, ये आ गया व्यू, और इन्हीं के पीछे गुफा बनी हुई है जिसका मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। आ जा भाई, वाह भाई क्या नज़ारा यार। अभी फिलहाल अंदर जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ का जो व्यू है वो देखते हैं। तो भाई यार, ओ भाई
भाई ये देखो सामने। तो फिलहाल अंदर की तरफ जा रहे हैं और जो व्यू है वो सामने का आप देख रहे हो। एक चट्टान है वो ऊपर पहाड़ के उस सिरे पे लगी हुई है। पूरा का पूरा जो व्यू है यहाँ पे जो देख रहे हो काफी मिट्टी जमी हुई है। ओह भाई साहब यहाँ पे जो चमगादड़ जो पीठ है वो यहाँ पे गिरी हुई है। और व्यू देखो भाई साहब, ओह माय गॉड, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी। ओहो इसको लाइट को बंद कर देना, सुनो आना। ओ धीरे 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 धीरे, ओ भाई यहाँ का जो व्यू है पता नहीं कोपरों के अंदर कैसा आ रहा है। एक बार मैं ओ भाई यहाँ से एक रास्ता है जो निकलने के लिए है और एक इस साइड है और यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओह देखते हैं, यहाँ पे पूरा जो रास्ता है वो बंद है और इस साइड के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो वापस निकलते हैं। यहाँ पे जो पहाड़ का रास्ता है वो थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे ओ भाई सामने देखो यार,